वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चूँकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, पेज नंबर 10 पे फिलिंग द ब्लैंक थी वो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ से अब हम स्टार्ट लेंगे आज की क्लास का। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द नंबर शोन, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच सेंटेंस। यहाँ पे नंबर हमें दिया गया है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसके बारे में स्टेटमेंट्स लिख के दी हुई हैं जो कि इस नंबर से रिलेटेड हैं। उन स्टेटमेंट्स के बारे में आपने बताना है कि वो आइदर ट्रू हैं या फॉल्स हैं। चलें फिर अब हम देखते हैं। ए पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 इज़ 100,000। 1 जो इस डिजिट में लाए कर रहा है वो क्या 100,000 की प्लेस वैल्यू पर लाए कर रहा है? तो हमने जब नंबर को देखा तो हमें पता चलता है कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 है, नंबर इसमें से निकाल लिया है 9,61,520 तक, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये थाउजेंड्स के हैं? तो ये थाउजेंड्स के नहीं हैं, ये 10,000s के हैं, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो सी पार्ट हमारे पास आ जाता है, डिजिट 5 स्टैंड्स फॉर 500s। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अब 5 को हम देखेंगे, हाँ जी 5 जो है हमारे पास 500s को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी प्लेस वैल्यू 500s ही है, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट है, द डिजिट 9 इज़ इन द मीडियंस प्लेस। क्या 9 डिजिट जो है वो मीडियंस प्लेस पे लाए कर रहा है? तो नहीं, हमारे पास 9 डिजिट जो है वो मीडियंस प्लेस पे लाए नहीं कर रहा, वो 100,000s की प्लेस वैल्यू रखता है, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स में आ जाती है। ई पार्ट है, द वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3 मिलियन। क्या 3 जो दिया हुआ डिजिट में वो 3 जो है वो 3 मिलियन की वैल्यू रखता है? देन इट इज़ ट्रू, यस दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि 3 जो है वो वाकई में 3 मिलियन ही की प्लेस वैल्यू रख रहा है। आगे एफ आ जाता है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6। अगर तो प्लेस वैल्यू को हम देखें तो प्लेस वैल्यू 6 डिजिट की हमारे पास 6 नहीं है, मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 6 की प्लेस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100,000 की है, तो ये हमारे पास गलत आ जाएगा। बट अगर यही हम स्टेटमेंट फेस वैल्यू के लिए देखें, द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6, देन दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर फेस वैल्यू को लेकर चलेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है फिल इन द ब्लैंक। नीचे अब हमें दी हुई है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी, उसके लिए उन्होंने हमें एक पूरा नंबर दिया है और आगे हमें ब्लैंक्स दे दिए हैं कि इस इन ब्लैंक्स को इस नंबर के थ्रू एक्सपेंडेड फॉर्म को फिलअप करें। तो ये अब हमारे पास आ जाती है, ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को फिलअप किया है, जैसा कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का पीछे दिया गया है कॉन्सेप्ट। आगे बी पार्ट भी इसका इसी तरह इसे करना है, 5 मिलियंस, 100,000 8 10s के हैं और 1,000s 8 10,000s के हैं, 0,000s के हैं, 200s के हैं, 3 10s के और 5 1s के। इसी तरह ये भी इसको उर्दू में मतलब लगा लें कि इन वर्ड्स में लिखा हुआ है, और ये ऊपर वाली हमारे पास क्या थी, एक्सपेंडेड फॉर्म थी। अब नीचे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा, राइट दी एक्सपेंडेड फॉर्म्स फॉर दी फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं ए से ई एफ पार्ट तक, और इनके बारे में उन्होंने हमें कहा है कि इनकी आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें, जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व की है, तो अब हम उसे देखते हैं। ये हमारे पास ए पार्ट आ जाता है, राइट दी एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर दी फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर है, अब ये हमने इस तरह से हमने जीरोस के साथ सारी को लिख ओपन करके लिख दिया इस नंबर को, तो वो हमारी आ जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह हमने इसका बी पार्ट सॉल्व किया है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने सी पार्ट सॉल्व किया है, इस तरह हमने इसका डी पार्ट, इसी तरह ई पार्ट, और इसी तरह हमने इसका एफ पार्ट सॉल्व किया है। एक्सपेंडेड फॉर्म नाम से ही क्योंकि लग रहा है, क्योंकि इसको एक्सपेंड करके लिखना है, मतलब कि जिस प्लेस वैल्यू पे जो सा डिजिट नंबर में से लाई कर रहा है उसको ओपनली करके जीरोस के साथ लिख देना है और ऐड का निशान दरमियान में डाल देना है। इट मीन्स कि इन सब को जब ऐड किया जाएगा तो हमारे पास वही नंबर दोबारा बनना चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि हमने उसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है।
ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे।